कोटा प्रेशर समाज के वार्षिक अधिवेशन में मंच पे विराजे सभी अतिथिगण, और जिन्होंने अपने संपूर्ण जीवन को राज्य के लिए समर्पण किया, राज्य की कल्याणकारी योजनाओं के माध्यम से जनता का कल्याण करने का काम किया, और उस समय जब संसाधनों का अभाव था, उस समय दूर दराज के इलाके के अंदर चाहे शिक्षा हो, चिकित्सा हो, इंफ्रास्ट्रक्चर के रूप में हो, ग्राम पंचायत के अंदर हो, आपने उस अभाव के समय भी जो समाज की सेवा की, प्रदेश की सेवा की, मैं आप सबको नमन करता हूं। आपका मेरा रिश्ता बहुत पुराना है। हमेशा एक बेटे के रूप में आपने मुझे प्यार दिया है, स्नेह दिया, आशीर्वाद दिया है, और जो कुछ भी दायित्व मिला है उसमें आपका आशीर्वाद, आपकी प्रेरणा और मार्गदर्शन मेरे साथ हमेशा रही है, और इसीलिए मैं कह सकता हूं बुजुर्गों का आशीर्वाद बराबरों का स्नेह और छोटों का प्यार यही व्यक्ति को शक्ति और सामर्थ्य देता है। मैं जब पहला चुनाव 2003 में लड़ा था उस समय भी मुझे पहला जनपति बनाने का अगर हक जाता है तो आप लोगों का जाता है। मेरे पिताजी भी पेंशनर्स रहे, और इस नाते में हमेशा मेरी आंखों में आपको पिता के रूप में देखता हूं। मैं किसी भी दायित्व को संभालूं, किसी भी जगह किसी भी पद पर हूं, एक पिता के रूप में आपका आशीर्वाद मेरे लिए सबसे बड़ी संबल है, सबसे बड़ी ताकत है। और इसी संबल और इसी शक्ति के कारण मेरी कोशिश रहती है कि आपका बेटा जो भी दायित्व संभाले और ठीक से संभाले, देश हित में संभाले और देश हित में काम करे, क्योंकि आपका जीवन इस तरीके का है, आपके संस्कार इसी तरीके के, क्योंकि पूरी जिंदगी के महत्वपूर्ण दिन आपने लोगों के जीवन को बदलने का काम किया है। राज्य के विकास के लिए काम किया है, व्यक्ति से जीवन के रूप में आपने लोगों को अच्छी शिक्षा संस्कार देकर उनकी जीवन को एक दिशा दी है। चिकित्सा क्षेत्र के लोग भी यहां बैठे हैं, दूर दराज के इलाके के अंदर जब सड़क नहीं होती थी, पानी नहीं हुआ करता था, बिजली नहीं हुआ करती थी, और दूर दराज के इलाके के अंदर भी आपने चिकित्सा जैसे मानवीय सेवा का काम किया,
और इसीलिए शिक्षा हो, चिकित्सा हो, इंफ्रास्ट्रक्चर के रूप में जो आज हम विकास देख रहे हैं, उस विकास की यात्रा में सबसे अहम योगदान आपका है। हम आजादी के 75 वर्ष की इस लोकतंत्र की यात्रा को मना रहे हैं। और इस लोकतंत्र की यात्रा में हमने देश को बहुत विकास की नई समृद्धि की ओर लगे, राज्य को समृद्धशील किया, विकास किया। और जब आजादी का अमृत महोत्सव मना रहे हैं तो इस अमृत महोत्सव में जो कुछ भी विकास के पैमाने को लेकर हम यहां पहुंचे हैं, आने वाले समय में हमारे देश के प्रधानमंत्री जी का लक्ष्य है जब आजादी का शताब्दी वर्ष हो तो दुनिया भारत के अंदर आर्थिक सामाजिक परिवर्तन का सबसे बड़ा युग का देश बने। और इसीलिए इसी संकल्प के साथ उन्होंने आने वाले समय के अंदर 100 साल की योजना बनाई कि आने वाले 25 साल के अंदर भारत कैसा होना चाहिए। राज्य कैसे होने चाहिए और उसी परिकल्पना के साथ उन्होंने 25 साल की योजना बनाई है। मेरा आपसे भी अनुरोध है, आग्रह है, आपका एक लंबा अनुभव रहा है, जिस क्षेत्र से आप रिटायर्ड हुए उसमें आपका अनुभव, आपकी कार्यशैली, नीतियां बनाना, कार्य योजना बनाना, नीतियों को एग्जीक्यूट करने का एक लंबा अनुभव रहा है। हमें भी इसी तरीके की कार्य योजना बनानी चाहिए कि हम किस तरीके से हमारे क्षेत्र के का एक आदर्श विकास कर सके, समाज के तमाम तबकों के अंदर जो अभाव में वंचित हैं, गरीब हैं, उनके जीवन को कैसे बदल सकते हैं, उनके जीवन के सामाजिक आर्थिक बदलाव कैसे ला सकते हैं। निश्चित रूप से आपका अनुभव मुझे नया मार्गदर्शन देगा। मुझे कोटा की जनता ने बहुत प्यार दिया, स्नेह दिया, आशीर्वाद दिया है, इससे मेरा दायित्व बन जाता है कि मेरा संसदीय क्षेत्र देश के अंदर सामाजिक रूप से भी, आर्थिक रूप से भी, मानव कल्याण के रूप में भी देश में सबसे अग्रिम पंक्ति का संसदीय क्षेत्र है। और ये सभी जनपदों की भावनाएं होती है, जनप्रतिनिधि को इसी अपेक्षा आकांक्षा के साथ लोग चुनकर भेजते हैं कि वो अपने अपने क्षेत्र के अंदर लोगों के सर्वांगीण विकास की योजनाएं बनाए। लोगों के सामूहिक सहयोग के साथ उनकी आवश्यकताओं के अनुसार योजना बनाए। और उसके लिए आपका अनुभव निश्चित रूप से हम सबको नई प्रेरणा देगा, क्योंकि दुनिया ने माना है कि अब कोई देश अकेला
किसी चुनौती से नहीं लड़ सकता। इस कोरोना महामारी ने एक नए युग की शुरुआत की है कि हमें सामूहिकता से हर चुनौती से मिलकर लड़ना पड़ेगा। हर देश को दूसरे देशों के आपस में अनुभव विचारों को साझा करते हुए कार्य योजना बनानी होगी, तब हम दुनिया के अंदर किसी चुनौती का मुकाबला कर पाएंगे। और इसीलिए भारत ने आज दुनिया को एक दिशा दी है कि आज दुनिया के अंदर भारत एक ऐसा देश है जिन्होंने कोरोना संक्रमण महामारी को जनता के सहयोग से, जनता के द्वारा सामूहिकता के साथ इस चुनौती को लड़ने का एक संकल्प दिया। और यही हमारी ताकत है। दुनिया ने हमारी ताकत को देखा है। दुनिया के बड़े बड़े देश के सामाजिक आर्थिक जीवन में बदलाव आया था, लेकिन भारत ने सामूहिकता के साथ हर अभाव में रहने वाले हर वंचित लोगों की मदद की। और सरकार ने अपना किया काम किया, लेकिन उससे ज्यादा जनता ने काम किया। और इसलिए कोरोना के समय मुझे याद है कि पेंशन समाज ने भी केवल अपने पेंशन साथियों के लिए नहीं, तमाम कोटा की जनता के लिए सबके सामूहिक सहयोग के साथ इस कोरोना में जो लोगों को मदद की, इसके लिए मैं पेंशन समाज के अध्यक्ष रमेश गुप्ता जी उनकी पूरी टीम को भी बहुत बहुत साधुवाद देता हूं, बधाई देता हूं। मुझे आशा है कि आपका प्यार से आशीर्वाद मुझे इसी तरह मिलता रहे। आपके आशीर्वाद से मैंने प्रेरणा लेकर कोटा का विकास कर सकूं, देश के अंदर लोकतांत्रिक संस्थाओं को सशक्त कर सकूं, मजबूत कर सकूं, इन संस्थाओं को जनता के प्रति और जवाबदेह बनाकर इन संस्थाओं में पारदर्शिता आए। इस जिम्मेदारी में आपका सहयोग, आपका आशीर्वाद आवश्यक है। और मुझे आशा है कि जिस तरीके का आशीर्वाद, प्यार, स्नेह मुझे मिलता है मेरे संसदीय कार्य और संसदीय दायित्व निभाने में भी, आपका मुझे मार्गदर्शन मिलेगा। समय समय पर आपका उचित मार्गदर्शन मिले, उचित सलाह मिले, ताकि आपके मार्गदर्शन सलाह से जिन अपेक्षा आकांक्षाओं के लिए लोकतंत्र के मंदिर हैं, इन लोकतंत्र के मंदिरों में जनता की अपेक्षा आकांक्षाएं और पूरी हो सके और पारदर्शिता के साथ संस्थाओं में काम हो सके, इसके लिए आपका इसी तरीके से प्यार से आशीर्वाद मिलता रहेगा। उन्हें मैं उन सभी महानुभावों को जिनकी उम्र 80 साल पूरी हो रही है, हमारे रमेश चंद जी गुप्ता, रामकिशोर जी अग्रवाल, कितने लोगों का नाम लू, चंद्र सिंह जी, जज साहब, डॉक्टर साहब, मेरे गुरुदेव, कितने लोग मेरे सामने बैठे हैं जिन्हों में आज भी इतना जोश, उतना उमंग, उतना उत्साह है समाज के लिए करने का। भगवान ऐसी कृपा सब पर बनी रहे और इस उम्र में भी इतना उत्साह, इतना जोश देश और राष्ट्र के लिए आपका बना रहे। आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई। सभी चिकित्सकगणों जिन्होंने कोरोना महामारी के अंदर पेंशन समाज के साथ मिलकर काम किया, उसको भी बहुत बहुत बधाई। जो समस्याएं आपने मुझे अवगत कराई है, मैं निश्चित रूप से राज्य के मुख्यमंत्रियों को
जी को आग्रह करूंगा, ये समाज के वह लोग हैं जिन्होंने इस राजस्थान के विकास में एक नई दिशा दी है, राजस्थान के विकास में उनका बहुत बड़ा योगदान रहा है, तप तपस्या की है। मुझे आशा है कि माननीय मुख्यमंत्री जी आपकी समस्याओं को सहानुभूतिपूर्वक विचार करके पूरी करेंगे और केंद्र की जो भी समस्याएं होंगी उस पर हम मिलकर सामने हल करेंगे। मुझे अभी जिलाध्यक्ष जी कह रहे थे कि हर तहसील स्तर पर पेंशन समाज के भवन होना चाहिए। मैं जिलाध्यक्ष जी से आग्रह करूंगा कि आप सभी तहसील स्तर पर पेंशन समाज के लोगों को आग्रह करें, जमीन का आवंटन करें, उनके भवन बनाने की जिम्मेदारी मेरी होगी, ताकि दूर दराज गांव में बैठकर भी वह आपस में चर्चा कर सके, संवाद कर सके, सामूहिकता के साथ मिलकर राज्य हित में काम कर सके, इसके लिए भवन की आवश्यकता है। मुझे लगता है कि आप तहसील पर भी एक भवन बनाएंगे। मेरा आग्रह रहेगा कि जब भवन रहे की जमीन ज्यादा लेंगे तो वहां सब जगह ओपन जिम, ओपन गार्डन और लाइब्रेरी भी बनाऊंगा, ताकि वहां बैठकर गांव में बैठकर वहां पर वह गांव के लोगों का भी मार्गदर्शन कर पाएंगे और राज्य की योजनाएं, केंद्र की योजनाएं, वहां के विकास में उनका योगदान समाज को मिलेगा, ऐसी मेरी अपेक्षा है। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।